अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सहल बिन साद रजी अल्लाह अनहु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हुक्म मिलता था सहाबा को कि वो अपना दायां हाथ अपने बाएं बाजू पर रखे। सही बुखारी हदीस नंबर 740 है ये। नमाज में कोई बंदा अपना सीधा हाथ अपना दायां हाथ अपने बाएं बाजू पर रखे तो उसका हाथ कहां आता है? जरा आप लोग अभी मेरे सामने प्रैक्टिस करके बताइए, आपका दायां हाथ आपके बाएं बाजू पर रखना है। बाजू कहते हैं ज़िरा, ही कहा लफ्ज उसके अंदर है, सहाबी रसूल ने कहा ज़िरा, ज़िरा अरबी वर्ड है। 740 नंबर वाली हदीस सही बुखारी में, ठीक है। ज़िरा का मायना होता है बाजू, ये कोहनी से लेकर ये बीच की उंगली के इस कोरे तक, इसको ज़िरा कहते हैं बाजू। जब दायना हाथ मुकम्मल बाजू पर रखेंगे तो हाथ नाफ के नीचे जाएगा या सीधे सीधे आपके सीने के ऊपर आएगा? सीने पर आएगा ना, आपके छाती पर आएगा ना आपका हाथ। यह सही बुखारी हदीस नंबर 740 से साबित हो गया कि नमाज में सहाबा रजी अल्लाह अन्हु मजमईन को हाथ बांधने का जो हुक्म दिया गया रसूलुल्लाह की तरफ से वो ये था कि अपना दायना हाथ अपने बाएं बाजू पर रखे। बाजू इसे कहते हैं लोगों, तो बाएं बाजू पर जब हाथ रखते थे सहाबा तो उनका हाथ सीधा सीने पर आ जाता था, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीने पर हाथ बांधना है नमाज में, सही बुखारी हदीस नंबर 740 से साबित हो गया। नहीं, सीने पर हाथ रखने का लफ्ज बताओ, सीने का लफ्ज बताओ हदीस में। ऐसा कहते हैं जो लोग, उनको सीने पर हाथ रखने वाला जो लफ्ज हदीस में मौजूद है, जो अल्लाह के नबी रखते थे, वो लफ्ज मौजूद है हदीस की किताब में। सदर ही का लफ्ज मौजूद है हदीस की किताब में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ये हाथ अपने इस हाथ पर सीने पर रखे हैं। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 22313 सनद के एतबार से हदीस हसन लिजाती ही है, शवायद के लिहाज से सही लिगैर ही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर सदर ही का लफ्ज मौजूद है, 22313 मुस्नद अहमद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही बुखारी हदीस 740 से भी साबित हो गया और 22313 नंबर वाली हदीस मुस्नद अहमद की उससे भी साबित हो गया अल्हम्दुलिल्लाह के नमाज में क़याम की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सीने पर ही हाथ बांधा करते थे, अपना सीधा हाथ अपना दायना हाथ अपने बाएं बाजू पर रखते थे अल्हम्दुलिल्लाह।